राजधानी पटना के लोग अक्सर पहाड़ों से गिरते हुए ठंडे पानी के झरने का मजा लेने के लिए दार्जिलिंग, रोहतास, राजगीर या ककोलत जलप्रपात चले जाते हैं। लेकिन अब पटना वासियों को पहाड़ों से गिरने वाले झरने का मजा लेने के लिए पटना से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल पटना में ही पहाड़ों से गिरते ठंडे पानी के झरने में नहाने का मौका मिला सकेगा। जी हाँ, राजधानी पटना में आर्टिफिशियल तरीके से पहाड़ बनाए गए हैं, जहां इन पहाड़ों से गिरता हुआ पानी आपको जलप्रपात वाला आनंद देगा। दरअसल गर्मी के दिनों में पटना के लोग दूसरे शहरों में जाकर जलप्रपात का आनंद उठाते हैं, जिससे उन्हें शांति और सुकून मिलता है। लेकिन अब उन्हीं जलप्रपातों की तर्ज पर पटना में भी कृत्रिम पहाड़ बनाए गए हैं, जहाँ लोग जलप्रपात वाला अनुभव ले सकते हैं। आपको बता दें, ये कृत्रिम पहाड़ राजधानी पटना के गौरीचक और बेलदारीचक के पास बनाए गए हैं। दरअसल यहाँ पटना गया रोड के गौरीचक और बेलदारीचक के पास बेलमोंट वाटरफॉल वाटर पार्क का निर्माण किया गया है। इस बेलमोंट वाटरफॉल में पहाड़ों से झरने जैसा पानी गिरता है, जहाँ लोग अब अपने परिवार के साथ इस खास अनुभव का आनंद उठाने के लिए भी पहुँचने लगे हैं। अपने परिवार के यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें किसी पहाड़ी एरिया जैसा अनुभव हो रहा है। अब उन्हें ककोलत या राजगीर जाने की जरूरत नहीं है, जब भी उन्हें जलप्रपात देखने का मन करेगा यहाँ आ जाएंगे। बेलमोंट वाटरफॉल फन एंड सिटी पटना में अपने तरह का पहला मनोरंजन पार्क है। इस पार्क में वाटरफॉल के अलावा परिवार के लिए योगा एवं मेडिटेशन सेंटर, रेन डांस कॉरिडोर, वेज रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए एम्यूजमेंट खेल पार्क सभी हैं। यहाँ वाटरफॉल में एंट्री के लिए 499 और 399 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ रेस्टोरेंट और होटल की भी व्यवस्था है, जहाँ आप फैमिली के साथ जाकर छुट्टियों का मज़ा भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी पटना के भीतर भी अब इसकी ऐसी आर्टिफिशियल व्यवस्था कर दी गई है, जहाँ लोग आकर गर्मी छुट्टी का मज़ा ले सकते हैं। अक्सर लोग पहाड़ों की तलाश करते हैं, इसके लिए रोहतास जाना पसंद करते हैं या फिर राजगीर या नवादा जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर विकल्प के तौर पर देखा जाए तो पटना में ही अगर पहाड़ों से गिरते ठंडे पानी के झरने में नहाने का मौका मिल जाए तो फिर लोग बाहर क्यों जाएंगे। तो यही कमोबेश स्थिति है, अब राजधानी पटना में इस तरह के पहाड़ बना दिए गए हैं, वो भी आर्टिफिशियल, जिसे आप जाएंगे देखेंगे तो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फील होगा और इन पहाड़ों से गिरता हुआ पानी आपको जलप्रपात जैसा ही आनंद देगा। तो आप झरने का भी आनंद ले सकते हैं, पहाड़ों की सीनरी को भी महसूस कर सकते हैं। असलियत ना सही, आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन आपको गर्मी से राहत तो दिला ही देगा।